अधिकतर आपने देखा होगा जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हों, या यूं कहो जब आप सफ़र पर जा रहे हों, जैसे दिल्ली से मुंबई या फिर जयपुर से हैदराबाद, तब रास्ते में आपको कोई बिल्डिंग बनती नज़र आती है और उसके चारों तरफ हरे रंग का कपड़ा लटका हुआ होता है। तब आप सोचते होगे कि बिल्डिंग के चारों तरफ हरे रंग का पर्दा या कपड़ा क्यों लटकाया जाता है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। जब कोई बिल्डिंग या इमारत बनती है तब उसके बाहरी भाग पर यानी चारों तरफ हरे रंग का कपड़ा या पर्दा लटकाया जाता है। इसके कई कारण हैं। कारण नंबर एक, हरे रंग का पर्दा इसलिए लटकाया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि इस बिल्डिंग में काम चल रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार हरे रंग का पर्दा ही क्यों, और कोई रंग क्यों नहीं? तो हरे रंग का पर्दा इसलिए लटकाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग की तरफ देखे तो उसकी आंखों को चौंध ना पड़े और आंखों को कोई साइड इफेक्ट ना हो, या यूं कहें कि हरा रंग और रंगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है आंखों के लिए। आसान शब्दों में, आखिर हरा रंग ही क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है कि हरा रंग दूर से ही दिखाई देता है, साथ ही रात में ये थोड़ी सी रोशनी में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए बन रही बिल्डिंगों को हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है। इसलिए जहाँ कहीं भी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं और उसके आसपास आबादी है तो हरे रंग के कपड़े से बन रही बिल्डिंग को पूरी तरह से ढक दिया जाता है ताकि किसी और को इससे परेशानी ना हो। दूसरा कारण यह है कि पर्दा इसलिए लटकाया जाता है ताकि काम के समय जो भी धूल या गंदगी हो वह बिल्डिंग के बाहर ना जाए, जिससे कि आम राहगीर को बिल्डिंग की वजह से कोई परेशानी हो। अगर इसके अलावा आपको भी कोई कारण पता है कि पर्दा क्यों लटकाया जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपने जो बताया है वह और लोगों तक पहुँच सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।